दोस्तों, हमारे पास हर चीज के लिए बहाना होता है। मैं ये इसलिए नहीं कर पाया, मैं वो उसलिए नहीं कर पाया, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, एक नहीं हजार बहाने हम लोग देते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा दोस्तों कि जिस कहानी को सुनकर आज के बाद आप कभी किसी को बहाने नहीं देंगे। एक लड़का था, उसके पिताजी टॉयलेट और वॉशरूम क्लीन करने का काम करते थे। पैसे न होने की वजह से उसकी स्कूल छूट गई। घर का किराया सही समय पर नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वो वैन में रहता था। और सपना क्या था, टारगेट क्या था, एक एक्टर बनने का। काम शुरू किया, धीरे 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 लोगों से मिलने लगा, बातें करने लगा, ऑडिशन देने लगा। लेकिन दोस्तों, कई बार डिमोटिवेट होते जा हो रहा था। लोग कहते थे, तेरे से हो पाएगा, तू काय का डायमंड, तू तो कोयला, इस तरीके से, जैसा अक्सर हम सबके साथ होता है। उसने क्या किया दोस्तों, उसने अपने आप को मोटिवेट और एनर्जेटिक रखने के लिए एक आइडिया उसके पास आई, उसके दिमाग में आई। उसने एक चेक लिया, ब्लैंक चेक, और उस ब्लैंक चेक पर उसने $10 million ये अमाउंट लिख दी और 5 साल बाद की डेट उसने उस पर डाल दी। और वो चेक उसने अपने वॉलेट में रखा, जिस पर मेंशन किया गया था कि उस लड़के को ये चेक एक्टिंग सर्विसेज के लिए दिया जा रहा है, और अपने काम पे जुट गया। धीरे 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 खुद को और मास्टर बनाते गया, अपने एक्टिंग पर काम किया, लोगों से मिलने लगा, ऑडिशन देते गया, छोटे 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 काम मिलने लगे। और ठीक 5 साल बाद उसे एक मूवी मिली जिसका नाम था डम एंड डम्बर। और उस मूवी के लिए उसे प्रोडक्शन हाउस ने जो चेक दिया था, वो चेक था $10 million का, 1 करोड़ का। दोस्तों, सपने सच होते हैं, पहले बहाने देना तो हम बंद करेंगे। किसी भी विचार के बीच में डर, शक और अविश्वास, ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें उसके बीच में आ जाए तो वो चीज पूरी नहीं हो सकती। और एक चीज दोस्तों, आपका जो भी गोल है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। तो डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, और वो गोल आपकी आंखों के सामने किसी जगह पर चिपका दीजिए और काम पे लग जाइए। डेफिनेटली वो चीज पूरी होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।